सरकार द्वारा इस बार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार अपनी चुनावी रैलियों में लाखों लाख की संख्या में भीड़ जुटाती है, लाखों लाख के संख्या में लोग आते हैं, लेकिन हमारा पर्व जब मनाने का टाइम आता है तो सरकार द्वारा गाइडलाइंस होता है कि यहाँ पर टेंट नहीं लगेगा, लोगों की भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं होंगे। अब बतलाइए, छठ हम मनाएंगे नहीं, लोग नहीं आएंगे तो छठ कैसे पर्व हम लोग सेलिब्रेट कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीकांत और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट .in। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियाँ शुरू हो गई है। आज स्थानीय भाषा में इस चीज़ को नहाय खाय कहा जाता है। जो आज है, आज हम पहुँचे हैं मधेपुरा के कुछ घाट पर कि यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं इसको जानने के लिए। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मधेपुरा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है, गुमटी पुल घाट। यहाँ के युवक छठ घाट की को लेकर तैयारियाँ कर रहे हैं। इनकी घर की महिलाएं आज से 4 दिन जो छठ महापर्व होने जा रहा है उसको लेकर सारा जो उनका इस विधि विधान होता है उसमें लग जाएंगी। और उस घर के युवा आज यहाँ घाट तैयार कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी युवा हैं, आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। अक्षय जी, क्या तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो है हमारा लोक आस्था का महापर्व छठ, जो हर साल हम लोग अति उल्लास धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार भी हम लोग छठ घाट पर आए हैं। सरकार द्वारा इस बार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार अपनी चुनावी रैलियों में लाखों लाख की संख्या में भीड़ जुटाती है, लाखों लाख के संख्या में लोग आते हैं, लेकिन हमारा पर्व जब मनाने का टाइम आता है तो सरकार द्वारा गाइडलाइंस होता है कि यहाँ पर टेंट नहीं लगेगा, लोगों की भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं होंगे। अब बतलाइए, छठ हम मनाएंगे नहीं, लोग नहीं आएंगे तो छठ कैसे पर्व हम लोग सेलिब्रेट कराया जा रहा है? टेंट क्यों नहीं लगाया जाएगा? बिल्कुल, जब चुनाव में इतना बड़ा बड़ा सभा होता है, बड़ा बड़ा टेंट लगता है, आकर्षक डिजिटल टेंट लगता है, लंबा लंबा टेंट लगता है, तो वहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर आदेश दे दिया जाता है कि टेंट नहीं लगाइए, यहाँ भीड़ लग जाएगा, यहाँ कोरोना हो जाएगा। टेंट लगता है तो टेंट इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो छठ व्रती आती है, 48 घंटे का निर्जला उपवास होता है, 48 घंटे का, और 48 घंटे भूखे रहकर यहाँ पानी में रहना पड़ता है। इस चीज़ को समझना होता है। यह छठ महापर्व हम लोगों का यह बहुत बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा बात, यहाँ देखिए, इस घाट पर हर साल होता था, लेकिन इस बार देखिए स्थानीय प्रशासन बिल्कुल उदासीन है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है। यहाँ पर आपको मोटा मोटा डेंगड़ा सांप मिलेगा यहाँ अभी। अब बताइए, किसी को डस लेगा तो काल के गाल में चले जाएगा। यहाँ बिल्कुल उदासीन है। हम लोग अपने स्तर से साफ सफाई करते हैं, हम लोग अपने स्तर से, सब लोग लगा हुआ है यहाँ, जितने श्रद्धालुगण है सब लोग अपने अपने स्तर से साफ कर रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, और भी लोग हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? अभिनव यादव। अभिनव जी, क्या तैयारी हो रहा है? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, पूरा जंगल और ईटा पत्थर से पूरा भरा हुआ है, कचरा तो पूरा है ही। एक दिन आया जेसीबी लेके, बस थोड़ा मोड़ा करके यहाँ से दिखा दिया कि जिला प्रशासन और नगर परिषद यहाँ पे काम करके गया, किया कुछ भी नहीं है, बस आया फोटो शूट करवाया और प्रशासनिक स्तर पे कोई कुछ, आप लोगों कुछ काम नहीं किया। बस एक रोज आया था जेसीबी लेके, फोटो शूट करवाया, देख लिया कि यहाँ मीडिया में हम लोग आ गए हैं, उसके बाद यहाँ से सब निकल गया। यहाँ पे देखिए, और जितना भी हम लोग हैं खुद साफ करवा रहे हैं, और वहाँ पे चलिए आके दिखाते कितना गंदा भरा हुआ है, पैर रखने वाला जगह नहीं है। और यहाँ तो प्रशासन की इतनी लापरवाही है और नगर परिषद की, यहाँ भी जरा सा भी साफ सफाई का कहीं मैटर नहीं दिख रहा, नहीं कोई यहाँ पे कर्मचारी दिख रहा, नहीं कोई झाड़ू साफ सफाई, कुछ नहीं, हर जगह गंदा ही भरा हुआ, गंदगी। और चुनाव का टाइम जब आता है तो पूरा रोड चकाचक हो जाता है, फील्ड चकाचक हो जाता है, और जब छठ या पर्व का कोई भी समय आता है तो यहाँ पे कुछ कोई प्रशासन आता ही नहीं है, जैसे लगता है कि यहाँ पे हम लोग हैं ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे क्या छठ का इतना महाबड़ा पर्व है, बिहार का लोक आस्था का पर्व है सबसे, और यहाँ पे इतना गंदा भरा हुआ है कि हम लोग क्या बताएं, इसमें खुद ही हम लोग साफ कर रहे हैं। चलिए चलिए, पर्व 4 दिवसीय जो होता है उसको लेकर यहाँ के युवा अपने स्तर से तैयारियाँ कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रशासन कोई मदद नहीं किया है, ना ही साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। छठ पर्व को लेकर हर कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहें बिफोर प्रिंट .in। ना भूलें।